बात करते हैं हम आज दुखों के बारे में, सफरिंग के बारे में। मतलब दुख सबके जीवन में है, चाहे वो इवन स्पिरिचुअल कोई फिलोसोफर हो, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़ा कोई बिजनेस पर्सन हो, फिल्म स्टार हो, दुख सबके जीवन में है। और सच्चाई यही है कि दुख है अगर आपके जीवन में और आप उसमें उलझे हुए हैं तो जीवन से आप चूक जाएंगे। फिर आप उसी के इर्द गिर्द आपका जीवन चलता रहेगा। कई तरह के दुख हैं, बीमारी हो गई है इसका दुख है, किसी से हम प्रेम करते थे या घर का कोई सदस्य है उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई तो दुख हो रहा है हमें, पैसे डूब गए, कोई बिजनेस करना चाहते थे तो दुख हो रहा है, मतलब जो हम चाहते थे उसके अपोजिट हो रहा है, ये एक दुख है, अंदर ही अंदर लोगों का रहता है। लेकिन एक चीज और होती है, देखो दुख और सुख ये चलते रहेंगे संसार में, ये चलता रहता है, लेकिन एक होता है पीस, शांति। यू कैन बी सैड बट स्टिल बी एट पीस। आप दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन साथ साथ आप शांत भी हैं। जो पीस है, जो साइलेंस है, इज बियॉन्ड सैडनेस एंड हैप्पीनेस। शांति जो है वो सुख और दुख दोनों से परे है। आप समझे इस चीज को, आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स डिस्टर्बेंस हुआ, लोगों को मेंटल इलनेसेस हो जाती हैं, कई लोग अवेयर रहते हैं इस इलनेस में भी, कई लोग जो हैं वो अंदर से जानते हैं, वो दवाइयां ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उनको पता है वो बायोलॉजिकल उनकी प्रॉब्लम है, इस चीज से वो शांत है अंदर ही अंदर, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, बट स्टिल बी एट पीस। लेकिन जो दुख है, जो पीड़ा है, जो सफरिंग है, इसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शांत हो पाते हैं, वो दुख को ही अपने आप को समझ बैठते हैं कि उनका जो विस्तार होता है, जो सेल्फ का विस्तार होता है वो लिमिट हो जाता है, वो उसमें ही बस पड़े रह गए, लग गए इसमें ही, और इसी को जीवन समझ बैठे। ये बिल्कुल ये एक ऐसे एस्पिरेंट की तरह है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसने सिर्फ तैयारी को ही अपना पूरा जीवन समझ लिया है, समाज में क्या चल रहा है, अच्छा बुरा, आईपीएल मैचेस चल रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, ठीक है, और भी कहीं सोशली उसको आना है, जाना है, बातचीत, वो अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट कर लेता है। दिस आइसोलेशन, ये जो आइसोलेशन है इज नॉट कि एक साधु संतों वाला आइसोलेशन है, नो, ये आइसोलेशन है भागने वाला, ये आइसोलेशन है अपने आप को उस जगह पर लिमिट कर लेना, बस तो मैं आपसे बात कर रहा हूं इन दुखों की। जीवन है, चल रहा है जीवन, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी आप बीमार ना पड़ो, कभी आपके जो है वो किसी लव्ड वन की, जिसको आप प्यार करते हो उसकी डेथ ना हो, या कभी कोई बीमारी ना हो आपको, या आप जिससे प्यार करते हैं, या कभी आपको कोई धोखा ना मिले, ये सारी चीजें होंगी, दुख होगा आपको। आप समझ रहे चीज को, दुख होगा आपको, सुख भी आएगा
लेकिन एक चीज होती है शांति। मैंने बताया ना, आप दुखी भी हो सकते हो, सुखी भी हो सकते हो, लेकिन क्या आप शांत हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दुखों का क्या निवारण हो सकता है? सदियों से दुख चलते हुए आ रहे हैं, अभी भी दुख है। मैंने बताया ना, एक नाम दे दिया हमने कि कोई चीज हमारे अनुरूप नहीं हुई, वो दुख है। लेकिन उस दुख दुख को महसूस कर लिया, जी लिया, तो वो शांति है, वो पीस है। यानी दुख आपको बांध नहीं रहा है, आप फिर भी फ्री हो। मैं उम्मीद करूंगा, मैं जो समझाने की कोशिश करूं, बताने की कोशिश करूं, आप यू आर गेटिंग इट। तो मैं बात कर रहा हूं पीस की, शांति की, कि पीस क्या है, फ्रीडम क्या है, मेडिटेशन क्या है। और जो नए लोग हैं, डेली कई सारे लोग जुड़ते हैं हमसे, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एक बार मेरा जो स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स है, जिसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, ये जो मैंने अभी बात बताई है, इनके कुल 24 टॉपिक्स हैं, इस पर आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9773529489, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और मुझसे अगर बात करनी है तो भी डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।